बत्तख मस्त चाल से निकला था घर से। चीकू सारे पंछियों को बहुत परेशान करता था, पंछी उससे बहुत नाराज थे। चीकू को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तभी चीकू ने ध्यान नहीं दिया और एक गड्ढा था, गड्ढे में घास फूस ऊपर से रख कर एक जाल बिछाया गया था। टीकू का पैर उस पर पड़ता है और टीकू उस गड्ढे में फंस जाता है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे। अरे सुनो, सारे बच्चे पंछियों के घेर लेते हैं। अरे टीकू चाचा, मजा आ रहा है। अरे हाँ चाचा, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा, आज हम मजा करेंगे। अरे बच्चों, निकालो मुझे, वरना निकलूंगा तो बुरा हाल कर दूंगा। वैसे भी तुम निकल कर कौन सा अच्छा करोगे चाचा, हमें कुछ मजे तो लेने दो। एक पंछी ने लाकर ऊपर से पानी डाल दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, निकलूंगा तो तुम लोगों को बता दूंगा। दूसरे पंछी ने लाकर गोबर डाल दिया। अरे छी छी छी, कैसा लग रहा है, अरे मुझे निकलने दो। अरे चाचा, मजे ले लो मजे, तुम भी तो हमारे मजे लेते हो। तभी बाकी पंछियों के माँ बाप भी आ गए। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो, चलो ये बहुत गलत बात है, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा, कोई नहीं बचेगा, याद रखना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, तुमने हमारी बेइज्जती की है। टीकू बत्तख घर पहुंचता है, नहा धोकर नौकर चील को बुलाता है। अरे सुन चील, आज तुझे मैं बेहद खास काम देता हूँ, जंगल में जा और सारे पंछियों के बच्चों को पकड़ के ले आ, सबको एक एक बार में बताऊंगा। चील जाता है और इंतजार करता है। कौवा जब अपने घर से निकल जाता है और उसका बेटा जग्गू अकेला होता है, तब चील, अरे जग्गू बेटा, कहाँ जा रहे हो, चलो तुम्हारे चाचा ने बुलाया है। अरे मेरे कौन से चाचा? अरे तुम्हारे टीकू चाचा। अरे मुझे नहीं जाना, वो उस दिन मैंने उन्हें जाल में फंसाया था, उसके लिए वो मारेंगे मुझे। अरे नहीं नहीं, उन्होंने कहा है मिठाइयाँ देंगे। अच्छा, टीकू चाचा मिठाइयाँ देंगे, चलो चलो। चील कालू कौवे के बच्चे को उठाकर ले आता है। ये लो मालिक, ले आया। अरे इसे पिंजड़े में बंद कर और बाकियों को लेके आ। चील फिर उड़ता है, गुन्नू कबूतर के बच्चे के पास जाता है, वो भी हमें अकेला था। अरे डरो नहीं, चलो चलो, मेरा मालिक मुझे बहुत मांस खिलाता है, मुझे मार कर खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो शिकार करना भी भूल गया हूँ, मुझसे मत डरो। चलो टीकू चाचा ने ढेर सारी मिठाइयाँ बर्फी रखी हुई है। अरे क्या बात करते हो, टीकू चाचा तो कभी नहीं बदलते। अरे वो बदल गए हैं, वो अब बहुत प्यारे हो गए हैं। अच्छा, जग्गू भी है वहाँ पे, जग्गू तो खूब मिठाइयाँ खा रहा है। अच्छा जग्गू है वहाँ पे, चलो चलो। गुन्नू का बेटा भी पहुँच जाता है। ये लो मालिक, आपका दूसरा शिकार। गुन्नू को भी पिंजड़े में बंद कर देता है टीकू। इस तरीके से चार पांच और बच्चों को पकड़ लाता है। अरे जाके उस टुनटुनी के बेटे को पकड़ के ला, वही सबसे बड़ा शैतान है, उसने ही मेरे लिए जाल बिछाया था, मेरे मुंह पर गोबर फेंका था उसने, मैं भूल नहीं सकता हूँ, उसे तो सजा दे कर रहूँगा। आप कहे तो मालिक, टुनटुनी चिड़िया को ही उठा कर ले आऊँ। ले आ, उसे ही ले आ, तो मजा चखा दूंगा। चील जाकर इंतजार करने लगता है और जैसे ही उसे टुनटुनी चिड़िया दिखती है, वो उसे पंजों में दबोच लेता है। अरे अरे चील, ये क्या कर रहे हो, मुझे पंजों में क्यों दबोच रहे हो। और चील उसे पंजों में दबोच कर एक पेड़ पर ले जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुझे मेरे मालिक ने बुलाया है, तुम लोगों के बच्चों ने मेरे मालिक की बहुत बेइज्जती की है, अब सजा का वक्त आ गया है। अरे चील भैया, क्या बच्चों की बदमाशियों को भी कोई ध्यान देता है, वो तो बच्चे हैं। अच्छा चलो, मेरे मालिक को समझा देना। अच्छा सुनो,
मुझे थोड़ा सा घर से आने दो, घर से आकर मैं आपके मालिक के पास चलूंगी। अरे मैं तुझे बोलने दे रहा हूँ तो तू बोलती ही जा रही है। हाँ चल, मुझे मेरे मालिक ने ऑर्डर दिया है तुझे लाने का। अरे चील भैया, आप टीकू बत्तख का ऑर्डर क्यों मानते हो? क्या मिलता है आपको? मुझे बताओ, मैं आपको सब कुछ दूंगी। अच्छा, तू मुझे सब कुछ देगी? मेरा मालिक रोज मुझे 1 केजी मांस देता है, मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद मांस आ जाता है, मैं आराम से खाता हूँ, तू मुझे कहाँ से मांस देगी? अच्छा नहीं, वो तो मैं नहीं दे सकती, अनाज की बोरियाँ दे दूंगी। अनाज की बोरियाँ तू ठूस और अपने बच्चों को ठुसा, मुझे मांस खाना है मांस। और तू ज्यादा बकबक करेगी ना तो मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। तभी वहाँ एक चील और आ जाता है। अरे अरे टिन्नू भाई, तू टीकू का नौकर है ना? हाँ हाँ, बता तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरा दोस्त है मुन्नू। चलो याद तो है। अरे इस चिड़िया को अकेले अकेले खाएगा क्या? दावत अकेले उड़ाएगा। तो क्या तेरे साथ दावत उड़ाऊं? चल हट, मुझे इसे लेकर जाना है। और टुनटुनी चिड़िया को उठाकर चील टीकू बत्तख के पास ले आता है। ये लो मालिक, आ गई तुम्हारी शिकार। छा आ गई ये छुई मुई, देखो छुई मुई, सारे के बच्चे मैंने पकड़ रखे हैं। अब बताओ इन्हें भून कर खिला दूं अपने चील नौकर को या फिर कच्चा खिला दूं? अरे अरे आप टीकू भैया, बच्चों की बातों का बुरा मत मानिए, ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो बदमाशियां करते ही हैं। अच्छा, और उस दिन जो गोबर फेंका था तुम्हारे बेटे ने, वो तो अभी छूट ही गया है। तुम लोग बहुत बुरे हो। हाँ अरे मालिक छोड़ दो। अच्छा मालिक, टुनटुनी चिड़िया ये बात कह रही है। तभी टीकू के दोनों बच्चे ढेर सारे पंछियों को जंगल से बुला कर ले आते हैं, चील के दोस्त को भी। ये देखो हमारे बाबा ने पकड़ कर रखा है सब पंछियों के बच्चों को। अरे नास पीटो, तुम क्या मेरा अंतिम संस्कार करवा कर मानोगे? हर बार मेरा खेल बिगाड़ देते हो। अरे अरे नहीं जंगल के पंछियों, मैं तो यूं ही, मैंने इनके लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं। मैंने तो बस पार्टी के लिए बुलाया था, बच्चे भाग रहे थे इसलिए पिंजड़े में डाल दिया। अरे नहीं नहीं, बाबा ने कहा था इन पंछियों को सबक सिखाएंगे। अबे चुप कर, क्या कर रहा है? अरे टीकू, तुमने अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है, तुम्हें हर जाना लगेगा। और कम से कम 100 बोरी अनाज इसके गोदाम से निकाल लो पंछियों, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। सारे पंछी गोदाम की तरफ जाते हैं। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अरे ताले की चाबी इधर है टुनटुनी मौसी। वो बत्तख का छोटा बेटा दरवाजा खोल देता है और सारे पंछी एक एक बोरा अनाज लेकर निकल जाते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, कौन से औलाद पैदा कर दिए। बसंती, तू अभी अगर जिंदा होती तो मैं तुझे मार डालता, ये कौन सी औलाद मेरे झोली में डाल दिए। सारे पंछी हंसी खुशी लेकर अनाज निकल जाते हैं।